हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंपटीशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कैसे डील करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं रे ऑप्टिक्स से ठीक है, वहाँ से एक बेसिक कंसेप्ट उठाऊंगा और उसी से लेके मैं क्या करूँगा, एक कंपटीशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग ने रे ऑप्टिक्स में हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या पढ़ा था हम लोग ने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था हम लोग ने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि नहीं। वहां पर क्या पढ़ा था हम लोग ने, ये हम लोग का एक नॉर्मल है। जब हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग का क्या होता है, एंगल ऑफ, यहां पर लिख दे रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग का कौन सा होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स यदि हम लोग का इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दिस वीडियो स्पेशली फॉर IIT JEE, ठीक है, मेंस एडवांस, और नीट के लिए भी, ठीक है। तुम लोगों को लगेगा मैं बेसिक से ही एक ऐसा क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि तुम लोगों को कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प देगा। अब हम लोग ने रे ऑप्टिक्स में हम लोग ने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, ये हम लोग का एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। मिरर में हम लोग का ये कौन सा है, इंसिडेंट रे, ये हम लोग का इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे हम लोग का क्या किया, मिरर में स्ट्राइक किया, ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग का क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोग का बेसिक लॉ है, इसके लिए रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। यही कंसेप्ट से हम लोगों को आगे में इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि तुम लोगों को कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री एंड द मिरर, देखो इंसिडेंस में क्या हुआ था, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आया था और मिरर भी था, एंड मिरर इज रोटेटेड बाय, कितना से रोटेट किया हम लोग ने, 10 डिग्री से, ठीक है। अब हम लोग को पूछा जाता है व्हाट वुड बी द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। हम लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है, ये स्पेशली ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूं, मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं। अब यहां पर क्या बोला है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, इंसिडेंट रे है, ये हम लोग का ऐसा है, ठीक है। दैट मींस ये हम लोग का मिरर है, ये हम लोग का मिरर है, ये हम लोग का इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। ये हम लोग का रोटेशन हो रहा है कितना से, 30 डिग्री से। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग का कितना से रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री से। और हम लोग का ये भी ये गिवन दिया रहेगा, ठीक है, ये फिगर हम लोग को गिवन दिया रहेगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इंपोर्टेंट है। जो ये हम लोग का क्या हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रोटेट हो रहा है कितना से, हम लोग का रोटेट हो रहा है, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड 30 डिग्री, मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है वो कितना रोटेट हो रहा है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री में रोटेशन हो रहा है। उसके बाद हम लोग का जो मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, दिस इज माय मिरर। अब मिरर जो है वो रोटेट हो रहा है कितना डिग्री से, हम लोग का 10 डिग्री से,
ठीक है। अब हम लोग को बोला जा रहा है व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टेड एंगल, ये पूछा गया है। अब मिरर भी रोटेट हो रहा है और क्या है इंसिडेंट रे भी रोटेट हो रहा है। अब हम लोग को पूछा गया है रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा। दैट मींस इसके लिए हम लोग को दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। फर्स्ट जब हम लोग का इंसिडेंट रे रोटेट होगा, सेकेंड हम लोग का जब मिरर क्या करेगा रोटेट करेगा। ये दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोग को याद करना है। ये क्वेश्चन में लिख चुका हूं, इसी को मैं इंप्लीमेंटेशन के लिए फिर बाद में मैं कराऊंगा, यही क्वेश्चन को कराऊंगा। पर इसका हम लोग को क्या जानना है, इसका बेसिक जानना है। जब तक बेसिक नहीं जानोगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टफ हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मींस फर्स्ट केस वन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। केस वन में बोला जा रहा है इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, ठीक है, बाय कीपिंग द मिरर फिक्स्ड अब फर्स्ट में हम लोगों को क्या बोला गया था क्वेश्चन में, जब इंसिडेंट रोटेट हो रहा था रिफ्लेक्टेड में कितना होगा और मिरर भी साइड में दोनों एक ही साथ रोटेट हो रहा था। तो फर्स्ट केस मैंने क्या लिया, इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय कीपिंग द मिरर फिक्स, उस समय हम लोग का देन रिफ्लेक्टेड में क्या होगा, देन रिफ्रैक्टेड वाला क्या होगा, ये हम लोगों को याद होना है। दैट मीन्स फर्स्ट का केस हम लोग ऐसे देखे, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या हो गया इंसिडेंस हो गया, ये हम लोग का क्या है नॉर्मल। इंसिडेंस एंगल ऐसा हो गया, नॉर्मल क्या हो जाएगा, इंसिडेंस हम लोग का ऐसा हुआ क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग को पता ही है। अब मैंने ये जो इंसिडेंस रे है इसको मैंने रोटेट किया, दैट मीन्स इसको मैंने रोटेट किया थीटा आई से, थीटा आई से क्या किया मैंने रोटेट किया, दैट मीन्स ऐसे करके रोटेट किया। ये हम लोग का क्या किया, मिरर को भी मूवमेंट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, पहले इंसिडेंट रे का देखना है फिर जाके सेकेंड केस में हम लोग क्या देखेंगे मिरर का भी देखेंगे। अब हम लोग का जब यहां से यहां रोटेशन हो गया, दैट मीन ये जो इंसिडेंट रे ऐसे रोटेट हो गया, दैट मीन ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हम लोग का आई माइनस कितना हो जाएगा थीटा आई होगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर देखोगे ये हम लोग का क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अच्छे से देखो ये हम लोग का क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैट मीन यहां से यहां रोटेट हुआ, ये यहां से यहां क्या किया रोटेट हुआ, रोटेट इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इंसिडेंट को क्या कर दिया हमने रोटेट किया कितना से थीटा आई से रोटेट किया, ये जो इंसिडेंस था वो यहां पर पहुंचा दिया। दैट मींस ये हम लोग का कितना हो गया, ये पूरा आई है और ये हम लोग का थीटा आई है, तो ये क्या हो जाएगा आई माइनस थीटा आई। सपोज ये पूरा हम लोग का कितना है 45 है, ये हम लोग को रोटेट कर दिया 30 से, तो ये कितना बन जाएगा 30 बनेगा कि नहीं। वैसे ही यहां से हम लोग का रिफ्लेक्टेड आ जाएगा छोटा छोटा पार्ट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बन दे रहा हूं क्योंकि ये क्या है, दैट मींस ये वाला पार्ट हो जाएगा आई माइनस थीटा आई होगा कि नहीं, क्योंकि ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों का रे क्या हो गया, ये जो इंसिडेंट रे था ऐसा रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे ओनली इनिशियली रिफ्लेक्टेड रे। अब ये वाला इंसिडेंट हम लोगों ने क्या किया रोटेट किया है कितना एंगल से थीटा आई से, थीटा आई से ये हम लोगों का रे हो गया, अभी ये रे हो गया। अब यहां से ये जैसे रे यहां से रोटेट हो रहा है तो हम लोग का रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो इनिशियल हम लोग को I इक्वल टू R था, अब ये हम लोग का एंगल क्या हो जाएगा इधर वाला में पहुंच जाएगा, दैट मींस I माइनस थीटा I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोग का इंसिडेंट ये है, ठीक है, ये हम लोग का I डैश होगा, दैट मींस ये वाला हम लोग का क्या हो गया R डैश, इनिशियली क्या था ये हम लोग का इंसिडेंट I था, तो ये हम लोग का क्या आ रहा था रिफ्लेक्टेड आ रहा था। अब हम लोग का रोटेट करके ये क्या हो गया I डैश हो गया,
तो हम लोग का ये वाला भी कितना हो जाएगा, आठ एस हो गया। दैट मीन्स यहां से जितना रोटेट करोगे यहां से भी उतना रोटेशन हो रहा है। दैट मीन्स यहां से क्या लिख सकते, थीटा इक्वल टू माइनस थीटा आर। यदि हम लोग इधर रोटेट कर रहे हैं तो इधर से भी रोटेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए थीटा इक्वल टू माइनस थीटा आर। यदि हम लोग का थीटा इक्वल टू माइनस थीटा आर है तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा आर। ये भी लिख सकता है क्योंकि ये क्या है, हम लोग का एंगल के साथ रोटेशन हो रहा है तो क्या हो गया, वहां पर एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा कि नहीं। दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड में हम लोग का थीटा आर। ये हम लोग का किसके लिए हो गया, इंसिडेंट एंगल के लिए हो गया। ये हम लोग का किसके लिए हो गया, रिफ्लेक्टेड के लिए। ठीक है, दैट मींस ये हम लोग को कंक्लूजन मिला। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या मिला, यहां पर लिख रहा हूं थीटा आई इक्वल टू माइनस थीटा आर। कब, जब हम लोग का इंसिडेंट एंगल क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, और ओमेगा आई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ओमेगा आर। ये हम लोग को एक कंक्लूजन मिला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग देखो वही चीज है, यहां भी कंसेप्ट क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही कंसेप्ट है। अभी हम लोग मेंस लेवल एडवांस लेवल के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर दिया, इंसिडेंट एंगल को रोटेट किया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, याद है जो मैंने कराया था, वही चीज को अब हम लोग ने थोड़ा कॉम्प्लेक्स में किया। तो पहले क्या किया, मिरर को फिक्स रख दिया, इंसिडेंट एंगल को रोटेट किया। कंक्लूजन क्या मिला, थीटा आई इक्वल टू माइनस थीटा आर, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा आर, क्योंकि इतना रोटेट हुआ तो ये वाला इनिशियल इंसिडेंस था, ये रिफ्लेक्शन था, तो अभी इनिशियल ये हो गया तो रिफ्लेक्टेड क्या हो गया, आर डैश ये हो गया। दैट मींस ये वाला हम लोग को इंसिडेंस हो रहा है, अब रिफ्लेक्टेड ये हो रहा है। दैट मींस ये इतना थीटा आई हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आर से रिफ्लेक्ट करेगा। ये हम लोग का फर्स्ट केस हो गया। दो केसेस का यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम लोग का क्या था, मिरर भी रोटेट हुआ था केस टू। इफ द मिरर इज रोटेटेड कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, दैट मीन्स ये वाला टर्म अभी ये फर्स्ट केस के लिए आया था, केस फर्स्ट के। ठीक है, ऊपर में कंक्लूजन लिख के रखा है। अब हम लोग का क्या बोला गया है, मिरर को रोटेट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, इस टाइप का था, मिरर भी रोटेट हो रहा था और ये भी रोटेट हो रहा था। ये हम लोग का इंसिडेंट एंगल रोटेट किया था 30 डिग्री से, मिरर रोटेट किया था 10 डिग्री से। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, अभी हम लोग को यहाँ पर मिरर भी रोटेट हो रहा है और क्या हो रहा है, हम लोग का इंसिडेंट रे भी रोटेट हो रहा है। और हम लोग को फाइनली क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला था। अब उसी को मैं यहाँ पर अब मिरर के केस में भी देखना है, तो ये हम लोग का मिरर, ये हम लोग का मिरर हो गया। अब सेम फॉर्म सेम थिंग, ये हम लोग का नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस आई हो गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। दैट मींस ये आई की कितना है, आई ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। वही बेसिक फॉर्मूला क्या था, इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी क्या कर दिया हम लोग ने, मिरर को रोटेट कर दिया, जो मिरर ऐसा था हमने मिरर को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। दैट मींस ये वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा। दैट मींस मिरर हम लोग का क्या हो गया, मिरर रोटेटेड। इनिशियली हम लोग का मिरर कैसा था, अच्छे से समझ लो, कंसेप्ट इजी है। मिरर ऐसा था, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। अब मिरर को मैंने ऐसे कर दिया तो हम लोग का नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये एंड डैश ऐसे आ गया, क्योंकि मिरर को मैंने जब रोटेट नहीं किया था, ये मिरर है। ठीक है, हम लोग का क्या मिरर है, मिरर जब हम लोग का इनिशियली ऐसा पोजीशन में था, जब मिरर को मैं रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा।
ठीक है। दैट मींस अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये हम लोग का नॉर्मल क्या हो गया, हम लोग का रोटेट हो गया, रोटेट हुआ, दैट मींस ये कितना रोटेट हुआ, थीटा एम, ये हम लोग का कितना रोटेट हुआ, थीटा एम रोटेट हो गया। दैट मींस अब हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा एम, इसको मैंने मान लिया आई डैश, इसको क्या मान लिया आई डैश, ये हम लोग का इनिशियली आई था, फिर से रोटेट किया मिरर को, मिरर इज रोटेटेड, ये हम लोग का क्या है, मिरर इज रोटेटेड। अब मिरर को क्या किया, रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल भी रोटेट हो गया। दैट मीन अभी हम लोग का इंसिडेंस एंगल क्या किया, हम लोग ने फिक्स किया है, दैट मीन्स इंसिडेंस यही है, इंसिडेंस यही है, दैट मींस इंसिडेंस अब क्या क्या कर दिया, हम लोग का नॉर्मल चेंज हो गया, तो आई प्लस थीटा एम ये क्या हो गया, हम लोग का एक्चुअल इंसिडेंस हो गया। दैट मींस अब हम लोग का रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, दैट मींस ये हम लोग का क्या हो गया, आर डैश, ये हम लोग का क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये सेकंड के लिए रिफ्लेक्टेड। दैट मींस अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये रिफ्लेक्टेड कितना हो गया, हम लोग का ये हम लोग का क्या हो जाएगा, I प्लस थीटा एम होगा, ठीक है। पर ये हम लोग का यहां से लिखा, अब कंडीशन अप्लाई करता है, ये इसको मैंने मान लिया आर डैश, ठीक है, क्योंकि I डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डैश, इनिशियली था I इक्वल टू आर, ठीक है, इनिशियली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब मिरर से रोटेट किया, इतना रोटेट किया थीटा एम, दैट मींस हम लोगों का इंसिडेंस अब फाइनल इंसिडेंस हो गया I प्लस थीटा एम, दैट मींस क्योंकि मैंने पहले ही बोला मिरर क्या हो रहा है, हम लोग का रोटेट हो रहा है, दैट मींस रोटेट किया तो क्या हो गया, हम लोग का थीटा एम टाइम्स रोटेट हुआ, दैट मींस ये हम लोग का क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल ये हो गया, रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा एम, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आर डैश, ठीक है। दैट मींस अब हम लोग का आई कितना होता है ये भी पता करना है, अब आर डैश प्लस यहां पर देखोगे तो ये भी क्या है, ये भी आ गई है, आया कि नहीं, अब ये हम लोग को थोड़ा कंसेप्चुअली देखना है, आई डैश इक्वल टू आर डैश, अब आई डैश हम लोग को क्या लिखा है, आई डैश मतलब आई प्लस थीटा होता है, ठीक है। चल अब यहां से क्या हो गया, ये आई इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड है वो कितना रोटेट हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा आर लिख सकता है। दैट मींस यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इनिशियल के लिए था, अब रोटेट कर दिया कितना हो गया, यहाँ पर आई ये क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई प्लस थीटा आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश प्लस थीटा एम, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस थीटा एम, ये हम लोग का इनिशियल इक्वेशन था, ये रोटेट होने के बाद था, ठीक है। अब हम लोग को पता है आई डैश इक्वल टू आई प्लस थीटा एम, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, आर डैश भी क्या हो जाएगा हम लोग का, आई प्लस थीटा एम, ठीक है। अब हम लोग को पता है आई प्लस थीटा, दैट मींस आई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस ये वाला आई प्लस यहां से रिफ्लेक्टेड रोटेट हुआ है, कितना टाइम्स रोटेट हुआ, रिफ्लेक्टेड थीटा आर टाइम, मतलब ये हम लोग का ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल किसका हो जाएगा, एंगल इक्वल आर डैश प्लस थीटा एम का, ये देखो आर डैश प्लस थीटा एम, क्योंकि वही एंगल है, ठीक है। अब यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, नोट करो, I प्लस थीटा आर इक्वल टू आर डैश की जगह लिख दो I प्लस थीटा एम प्लस थीटा एम, दैट मीन फाइनली व्हाट वी कैन कंक्लूड, थीटा आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ थीटा एम। फाइनली हम लोग ने क्या कंक्लूड किया कि जब मिरर रोटेट करेगा, मिरर रोटेट करेगा और इंसिडेंट रे को फिक्स करेंगे तो उस समय रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, थीटा आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ थीटा एम। That means, वहां पर 2 थीटा आर की जगह जब हम लोग का वेलोसिटी के टर्म में आएगा तो क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यहां पर ओमेगा आर हो जाएगा, ओमेगा एम। That means, हम लोग को ये सेकंड कंक्लूजन मिला, ओमेगा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, दैट मींस ओमेगा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम, ये एक मिला,
और हम लोग को क्या मिला, थीटा आर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ थीटा है। ये भी एक कंक्लूजन मिल गया। अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग को पता है कि ये मिरर है। क्वेश्चन क्या दिया था, इनिशियली हम लोग को स्टेप का इंसिडेंट रे रोटेट किया था 30 डिग्री से, ये हम लोग का नॉर्मल है। मिरर रोटेट किया था एंटी इस टाइप का, ठीक है। मिरर इज रोटेटेड, क्वेश्चन में बोला गया था मिरर इज रोटेटेड बाय 10 डिग्री एंड जो ये इंसिडेंट रे है दिस इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री। अब हम लोग ने फर्स्ट में क्या कंक्लूजन निकाला, जब इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है, ओनली इंसिडेंट रे जब ये रोटेट कर रहा है मिरर को फिक्स करके, थीटा इक्वल टू क्या आया था माइनस थीटा और ओमेगा इक्वल टू क्या आया था माइनस ओमेगा। अब सिर्फ मिरर को रोटेट किया, सिर्फ मिरर को रोटेट किया, इंसिडेंट रे को फिक्स किया था, दैट मींस ओमेगा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। ये हम लोग को सेकंड कंक्लूजन मिला, ये हम लोग को सेकंड कंक्लूजन मिला था। अभी देखोगे तो ये दोनों क्या है, कंबाइन है, दैट मींस हम लोग क्या लिखे, थीटा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम माइनस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि मिरर भी रोटेट कर रहा है और क्या कर रहा है इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रहा है। वो हम लोग का इंसिडेंट रे के लिए था, ये मिरर रोटेशन के लिए था, दैट मीन यहाँ पर दोनों का क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया था कि क्या बोला है, इंसिडेंट रे भी रोटेट कर रहा है और मिरर भी क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन मेंस एडवांस नीट वगैरह में आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, प्रिपेयर करना है। That means, अब देखो इसका एक टर्म, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी याद रखना, नहीं तो क्या कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे। सपोज आई एम टेकिंग एज एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया, तब देखता है 2 इंटू थीटा एम को क्या कर दिया 10 माइनस एंटी क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 30, दैट मीन्स 220 प्लस 30 कितना हो जाएगा हम लोग का 50। और ये किस डायरेक्शन में आया, पॉजिटिव आया, दैट मींस ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। यदि हम लोगों का तुम लोग अलग कैसे लेता, सपोज इसको आंसर तो यही होगा, सपोज इसको दूसरा वैसे किया, क्या किया हम लोग ने, तुम लोग ने अज्यूम किया क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव को नेगेटिव, ठीक है क्लॉकवाइज को नेगेटिव, उस समय भी क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम। अब यहां पर बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हम लोगों का फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब सेकंड वे बता रहा हूं, यदि हम लोग का यहां पर तुम लोग ने क्या लिया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, दैट मींस माइनस 10 माइनस कितना है 30, दैट मींस माइनस 20 माइनस 30, दैट मींस माइनस 50। माइनस 50 मतलब कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी टाइप का क्वेश्चन आए डजंट मैटर, बस हम लोग को दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, इंसिडेंट रे जब रोटेट हो रहा है और मिरर को फिक्स कर दिया है तो दैट मींस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा आर, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा आर, फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में होता है ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो गया माइनस, क्या हो ओमेगा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम, ठीक है, और थीटा आर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम। कब, जब हम लोग का मिरर क्या रहेगा रोटेट करेगा और इंसिडेंट रे फिक्स कर देंगे, पर ये क्वेश्चन में क्या क्या दोनों कंडीशन ही वैलिड हो रहा था, इसीलिए यहां पर थीटा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम माइनस थीटा आई, दैट मींस अब यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा देखना है, एक क्लॉकवाइज लोगे तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी अज्यूम कर सकता है, आंसर सेम सिमिलर आएगा, ठीक है। और वीडियोस मिलेगा, लाइक करो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मिलेगा इसी टाइप से, लर्न करो और शेयर भी करो। थैंक यू।